आपने माइक्रोमीटर का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी छोटी सी बोर या होल का साइज कैसे एक्यूरेटली मेजर किया जाता है? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इनसाइड माइक्रोमीटर। ये टूल मैकेनिकल प्रोडक्शन और क्वालिटी इंस्पेक्शन फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है और एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसका यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक इनसाइड माइक्रोमीटर है जिसे जॉ टाइप इनसाइड माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। इसमें लगे सभी पार्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसमें लगे जॉ। ये दो मेटल आर्म होते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर कॉन्टैक्ट बनाते हैं। इसमें लगा पहला जॉ फिक्स जॉ कहलाता है, जो माइक्रोमीटर के बॉडी के साथ फिक्स्ड होता है, और दूसरा जॉ मूवेबल जॉ कहलाता है, जो स्पिंडल के साथ कनेक्ट होता है और थिम्बल के रोटेट करने पर आगे पीछे मूव करता है। थिम्बल एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जिसे हाथ से घुमाया जाता है। इसके ऊपर स्केल होती है जिसे हम रीडिंग के लिए यूज करते हैं। अगला पार्ट है स्लीव, या इसे वैरल भी कहा जाता है। ये माइक्रोमीटर के बॉडी के साथ फिक्स्ड होते हैं और इस पे मेन स्केल होती है। इसमें टोटल 25 डिवीज़न होते हैं, जिसमें एक डिवीज़न के बीच का डिफरेंस 1 mm होता है और हर डिवीज़न के बीच एक लाइन होता है जो 0.5 mm को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है रचट स्टॉप। ये एक छोटा सा रोटेटिंग नोब होता है जो प्रॉपर प्रेशर से जॉ को सेट करता है। ये इंश्योर करता है कि हर मेजरमेंट एक जैसा फोर्स के साथ लिया जाए, जो एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी होता है। और अंत में लॉक नट होता है जिसका काम होता है मेजरमेंट को होल्ड करना ताकि एक्सीडेंटल मूवमेंट नहीं हो। तो ये थे पार्ट्स। अब बात करते हैं इसके लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन थिम्बल। तो सबसे पहले जानते हैं पिच किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब हम थिम्बल को पूरा एक राउंड घुमाते हैं तो जितना दूरी ये कवर करता है उसे ही पिच कहा जाता है, जो है 0.50 mm। मतलब जब हम थिम्बल को एक राउंड घुमाते हैं तो थिम्बल 0.5 mm आगे बढ़ेगा। और अगर थिम्बल स्केल की डिवीज़न की बात करें तो इस पे टोटल 50 डिवीजन्स होते हैं, तो हमारा लिस्ट काउंट होगा 0.50 mm upon 50 = 0.01 mm, जो माइक्रोमीटर पर शो भी करता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमें इस रिंग का इंटरनल डायमीटर को मेज़र करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम माइक्रोमीटर को इस रिंग के अंदर रखेंगे और थिम्बल को रोटेट करेंगे जब तक दोनों जॉ कॉन्टैक्ट में ना आ जाए। जब दोनों जॉ प्रॉपर ग्रिप हो जाए तो रैचेट स्टॉप और लॉक स्क्रू को टाइट कर लेंगे। अब आप रीडिंग लेने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा थिम्बल 20 mm और 21 mm के बीच शो हो रहा है। अगर आप इसे और ध्यान से देखें तो ये 20 mm और 21 mm के बीच जो सब डिवीज़न है उसे भी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो रीडिंग होगी वो 20.50 mm से भी ज़्यादा होगी। अब ये कितना ज़्यादा है उसी का पता हम थिम्बल पे बने स्केल की रीडिंग से पता करते हैं। तो अब हम थिम्बल की रीडिंग लेंगे। इसके लिए थिम्बल पे बने स्केल की उस लाइन को देखेंगे जो स्लीप पे बने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रही है, और वो है 20। अब हम 20 को माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो रीडिंग होगी वो हमारे थिम्बल स्केल की रीडिंग होगी। तो हमारा फाइनल मेजरमेंट होगा स्लीव स्केल की रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल की रीडिंग = 20.70 mm। इस तरह आप एक्यूरेटली किसी भी होल या बोर का डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको इनसाइड माइक्रोमीटर समझ आ गया हो तो आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।